ओके, तो काफी टाइम बाद किसी मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ। मतलब जो मैंने लास्ट जो चैनल के ऊपर वीडियो डाली थी वो तकरीबन 150 दिन के आसपास हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि इस समय के अंदर मैंने कोई मूवी नहीं देखी, कोई सीरीज नहीं देखी। मूवी सीरीज मैंने बहुत सारी देखी है, बस ऐसे ही रिव्यू नहीं किया। खैर, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और अब दिल से कोशिश करूंगा कि मैं लगातार वीडियो बनाऊं सच में, क्योंकि काफी कुछ मैंने खर्चा किया है वीडियो बनाने के लिए कि भैया हाँ ये सब चीजें, ताकि अपने आप को मोटिवेट कर सकूं। खैर, जो आज की जो इस वीडियो का मेन मोटिव है भाई, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चाइल्ड मूवी जो है वो अमेजोन के प्राइम वीडियो पर आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने इस मूवी को बस ऐसे ही देखा था, ऐसा नहीं कि मैंने कोई कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ इस मूवी को देखना शुरू किया, बिना ही बहुत लो एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवी को देखना शुरू किया। ना ही कोई इसका मैंने ट्रेलर देखा था, और मुझे इस मूवी ने काफी ज्यादा सरप्राइज किया। अमेजोन के प्राइम वीडियो पर आपको ये देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी ही मत भाग जाना कहीं इस मूवी इस वीडियो को देखा ही नहीं और आप तुरंत भाग गए इस मूवी को देखने। खैर, मूवी की जो स्टोरी है उसकी बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति, एक बच्चा या फिर एक टीनेजर हम कहेंगे, बच्चा टीनेजर तो सेम ही होते होंगे ना, तो वो बॉक्सर बनना चाहते हैं, या वो वाकई में बॉक्सर है, जो भी है वो बॉक्सिंग करता है। और उसके साथ उसकी माँ रहती है, उसकी माँ बीमार है, और उसके जो पिता है वो कोरिया के हैं। अब ये जो लड़का है वो एक्चुअल में फिलीपींस के अंदर रहता है। अब इसको एक नाम से पुकारा जाता है, कोरियन का को ले लिया और फिलीपींस का पिंस ले लिया, कोपिंस, कोपिंस शायद, शायद मैं अगर सही हूं तो उसी नाम से, कोपिनो, कोपिनो, हाँ कोपिनो के नाम से इसको पुकारा जाता है। खैर, तो ये लड़का अपने पिता से मिलने के लिए कोरिया जाता है। अब ये कोरिया क्यों जाता है, मतलब पिता से मिलने तो जा ही रहा है, लेकिन पिता से मिलने क्यों जा रहा है? अब ऐसा क्या हो गया, क्या उसके दिल में पिता के लिए कोई नई मतलब मोहब्बत जाग गई क्या, जो इतने टाइम से नहीं मिलने गया अब जा रहा है? वैसे एक्चुअल में इसके पिता ने अपनी इसकी माँ को छोड़ दिया होता है। खैर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना आपका इंटरेस्ट खराब हो जाएगा। अब ये कोरिया क्यों जाता है, उसके पीछे रीजन दिखाया गया है कि भाई इसका मतलब नहीं बताता, नहीं बताता, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, अब यहां पर आते हैं कि जब ये कोरिया जाता है तो इसके सामने बहुत सारे बुरे बुरे लोग आते हैं। अब वो इसको मारना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं वो भी सब आप जब ये मूवी देखोगे तभी पता चलेगा। वैसे इसकी लेंथ जो है वो 2 घंटे के आसपास है, और इस पूरी दौरान, इस समय अंतराल के अंदर, ये 2 घंटे के अंदर आपको ये मूवी बोर तो नहीं होने देगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जिस तरीके के अंदर इसके अंदर ट्विस्ट दिखाए गए, जब ये मूवी मतलब खत्म होती है या फिर लास्ट में पहुंचती है, तब वो एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। और वो ट्विस्ट यार, इतनी सारी मूवीज मैंने देखी, सीरीज मैंने देखी, तो कहीं पर भी उस ट्विस्ट का मैंने अंदाजा भी नहीं लगाया था यार, एक्चुअल में ये क्या हो रहा है और यहाँ इसके पीछे रीजन क्या था। वो थोड़ा सा भी मतलब इतनी एडमायर करनी पड़ेगी स्टोरी लिखने वालों की या फिर जिन्होंने मूवी बनाई है, कि भाई इतने अच्छे से चीजों को रिप्रेजेंट किया है, उस ट्विस्ट को उन्होंने छुपाए रखा है, वो सरप्राइज आपके सामने आने नहीं दिया। एट द एंड जब उन्होंने चाहा कि भाई अब सरप्राइज को रिवील करना चाहिए, तभी वो आपके सामने आता है, और वो देख कर आप सच में दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा और सरप्राइज आता है कॉमेडी को लेकर, वो भी काफी अच्छा है। कोई इतना बड़ा सरप्राइज तो नहीं है, लेकिन हाँ वो अच्छा है, काफी बढ़िया है। फिर से वही बात आती है, क्या डिटेल में नहीं बता सकते? डिटेल में बताने का मेरा दिल तो कर रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक चीज बारीकी से बता दूं, लेकिन फिर मुझे, जैसे 150 दिन पहले जो वीडियो बनाता था उन वीडियोस में मुझे गालियां पड़ जाती थी कि कोई भी अगर मैं सीक्रेट रिवील कर देता था या कोई भी चीज बता देता था जो नहीं बतानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जिसे स्पॉइलर कहते हैं, कि भाई आपने वो स्पॉइलर दे दिया, तो वो मुझे गालियां पड़नी स्टार्ट हो जाती थी। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा। खैर, जब आप मूवी देखोगे आप लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब स्टोरी के अलावा जो कास्टिंग की बात करूं, तो इसमें जो दो मेन कलाकार हैं, एक तो जो मतलब जो बच्चा है जो बॉक्सर है, और एक जो बॉक्सर के पीछे पड़ा हुआ एक व्यक्ति है, वो उनकी जो एक्टिंग है या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत लाजवाब है। वैसे इनके नाम बड़े ही अजीब थे, मैंने सर्च किया इनको मतलब जाके मतलब इंटरनेट के ऊपर, इनके नाम बड़े अजीब थे, बोले नहीं जा रहे। अब मैंने कोशिश करूं कि बोलने की उठपटांग से नाम आ जाए, इसलिए मैंने सोचा मतलब इसको अवॉइड करते हैं। इन दो एक्टर के अलावा जितने भी, मैं ये कहूंगा कि जिनकी परफॉर्मेंस इसमें हमें देखने को मिली है वो काफी ज्यादा अच्छी है, आपको बहुत ज्यादा वो पसंद आएगी। इसके अलावा मूवी के अंदर कॉमेडी सीन भी है वो बहुत बढ़िया है। एक्शन वाली ये मूवी है, तो एक्शन के बारे में क्यों ना बात करें, तो देखो यार एक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। खासकर एक एक्शन आता है, एक कमरे के अंदर दो व्यक्ति हैं और उनके सामने बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। अब वहां से एक जो व्यक्ति है वो कैसे बाहर निकले या दोनों कैसे बाहर निकलेंगे, एक मतलब देखने वाला सीन होता है, बहुत जबरदस्त मुझे वो सीन लगा।
वाकई में वो सब चीजें देखी तो लगा कि यार कुछ नया देखने को मिल रहा है, एक जो भूख थी एंटरटेनमेंट की वो कहीं ना कहीं इसने पूरी की है। ओवरऑल अगर हम बात करें मूवी की, देखो इसके अंदर एक्शन जो है वो भी बहुत बढ़िया है, कॉमेडी जो है वो भी बहुत अच्छी लगी, और इसके अलावा कॉमेडी ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी बहुत है वो अच्छी है। इसके अलावा जो एक्शन एक्शन की बात हो गई, स्टोरी की बात करूं स्टोरी भी अच्छी है, ट्विस्ट डाले गए वो भी बहुत बढ़िया, जो आपको लास्ट तक पता नहीं चलने देंगे, जो एक अच्छी बात है इस मूवी की। अब इसमें कमी क्या है उसकी चर्चा करें तो मुझे तो देखो कमी नहीं लगी, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए था, मुझे वो एंटरटेनमेंट इसमें भरपूर मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस मूवी को देखकर पछताया हूँ या बोर हुआ हूँ, रिग्रेट किया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस मूवी ने काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट किया, तो देखो देखो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो जाकर अमेजोन के प्राइम वीडियो पर आप ये मूवी देख सकते। तो हिंदी डबिंग की बात करें तो हिंदी डबिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी, हर एक करेक्टर के ऊपर जो डब की गई है, जो वॉइस एक्टर की जो डबिंग है वो काफी ज्यादा आपको उसके सूट करती हुई मिलेगी। हाँ भाई इसकी ऐसी ही आवाज होगी, इसने इस लहजे में ही बोला होगा, कहीं पर भी आपको वो बॉलीवुड के घिसे पिटे कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देंगे कि यार इस मूवी का नाम ले लिया या उस मूवी का नाम ले लिया या बॉलीवुड के घिसे पिटे डायलॉग यूज कर लिया, वो चीज नहीं है, जो काफी अच्छी बात है। तो खैर यही था रिव्यू इस ओवरऑल मूवी का। आपको अगर आपने मूवी देखी है तो वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन ओपन है, लिख सकते हो कि अपने विचार आपके इस मूवी को लेकर क्या है। खैर मूवी जो वीडियो पसंद आई है तो खैर पसंद आई हो, यहाँ तक पहुंचे हो तो लाइक ही कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।